कोवलेंट बॉन्डिंग में लास्ट सेटिंग हमारी हुई है शेप्स, और अब हमें मूव करना है हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी बता दिया है। ठीक है, तो अब हम पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड को ही चाहे कंप्लीट कर लें या हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ मैं आज आपको वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन पहले कर ले रहे हैं, फिर पोलर एंड नॉन पोलर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द बेसिक वर्ड हाइब्रिडाइजेशन मींस, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, ये बायो का वर्ड है, हाइब्रिड वर्ड से आया है। ओके, तो शायद आपने इतना वर्ड सुना हो बायो में, व्हाट इज द वर्ड यस हाइब्रिड सर। से। ठीक है, तो बेटा हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दो चीजों के कैरेक्टर मिला देना, दैट इज हाइब्रिड। जैसे अगर बाई चांस कोई प्लांट, ठीक है, कोई प्लांट बहुत टॉल है, ठीक है, लेकिन ये टॉल है खाली प्लांट, लेकिन इसमें कोई फ्लावर्स नहीं आ रहे। ठीक है, फ्लावर्स नहीं है, ये टॉल है। ओके, एक प्लांट है जो कि डार्फ है एंड बहुत छोटा है, लेकिन इसके पास बहुत सारे फ्रूट्स कह लीजिए, फ्लावर्स कह लीजिए, ये काफी सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स हैं। ओके, तो ये दो कैटेगरी के प्लांट हैं, एक टॉल है लेकिन फ्लावर्स नहीं है, टॉल को टी से लिख दिया है, और एक डॉर्फ है, लेकिन डॉर्फ होने के बाद भी हम इसमें कह सकते हैं इट इज हाईली फ्लावर्ड, फ्लावर्ड है। तो डॉर्फ वाला फ्लावर्ड है, टॉल वाले में खाली लीव्स है। इज इट क्लियर। अब हमने कहा हमने एक नया सीड तैयार किया है, ऑब्वियसली एक नया जो हमने सीड तैयार किया है उसमें बेटा हमने इसकी तो ले ली है फ्लावरिंग कैपेसिटी, और इसकी ले लिए हमने हाइट। ठीक है, तो ये वाला जो हमने सीड तैयार किया है जिसमें इसकी हमने ली है फ्लावरिंग कैपेसिटी, इसकी हाइट, तो ये सीड क्या बन गया हमारा, हाइब्रिड। बोलो क्लियर है बेटा, इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। इज इट क्लियर। ठीक है, समझ में आया है। तो बच्चों पता नहीं कैसे तुम्हें समझ में आ गया, मुझे तो नहीं आया। और वैसे अगर ऐसा कोई हाइब्रिड बनाएगा तो उससे बड़ा इंटेलिजेंट कौन होगा, मतलब इसकी फ्लावरिंग कैपेसिटी ले लें जिसमें फ्लावर एको नहीं है, इसकी हाइट ले लें जिसकी हाइट है ही नहीं, तुम बनाना क्या चाहते हो। नहीं, पृथ्वी का नष्ट करना, वैसे ही कर दो नष्ट, ऐसे कर्मों से नष्ट करोगे, शर्म नहीं आ रही। तो बेटा पॉइंट क्या है हमारा, इस जोक के अंदर पॉइंट क्या छिपा था कि हाइब्रिडाइजेशन इज डन ओनली फॉर बेटरमेंट, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ बेटरमेंट के लिए होती है, नॉट फॉर वर्स्टमेंट। तो अगर हम हाइब्रिड बनाएंगे तो भैया इसकी हाइट लेंगे लंबू की और इसकी फ्लावर कैपेसिटी लेंगे, तो ऐसा हाइब्रिड, ओफो तुम्हें तो समझ में भी आ रहा था, ऐसा हाइब्रिड नहीं बनाया जाएगा, नेचुरल प्रोसेस में नहीं होगा। इज इट क्लियर, हाइब्रिड ऐसा नहीं होता। तो केमिस्ट्री में पहला पॉइंट ये आ गया, अभी जो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जाएंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन नॉन हाइब्रिड और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे, वो स्ट्रॉन्गर होंगे अनहाइब्रिड के मुकाबले। ओके, सो यहां अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन सर, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। हाँ बेटा, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड में दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? कॉमन सेंस है बेटा, पोलर में चार्जेस आ गए, अब ये चार्जेस दूसरे वाले चार्जेस को भी अट्रैक्ट करेंगे, तो इन जनरल पोलर आर मोर स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर। जैसे बॉइलिंग पॉइंट देखनी है, मेल्टिंग पॉइंट देखना है, इन जनरल पोलर का बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर से ज्यादा होगा। लेकिन ये बॉन्ड के बारे में हम कह रहे हैं, अभी कंपाउंड पढ़ना बाकी है, इसके बाद पढ़ा दूंगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्यों सिलेक्ट किया बेटा, रीजन इज दिस कि हम शेप जो पढ़े थे वेस्पर थ्योरी से, VACPR से, वैसे ही शेप यहां से भी आती है, इसलिए हमें दोनों को रिलेटेड टॉपिक थे और ये टीचर्स का बहुत फेवरेट होता है, इसलिए इसे पढ़ रहे हैं। इसके बाद दोबारा एक बार ही आएंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, उस बारी हेडिंग होगी पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, अभी बॉन्ड। सर एक बार पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स को भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है उसमें। छोड़ दो, अभी रुक जाओ। ठीक
ठीक है, साथ दोबारा दोनों हेडिंग में कराऊंगा हाइब्रिडाइजेशन के बाद, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड भी और पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड भी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द वर्ड हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक ड्रैगो रूल है हाइब्रिडाइजेशन के बाद में मैं बताऊंगा, जहां कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है, उसका नाम ही है ड्रैगन ड्रैगो, तो ड्रैगन कहता है जरूरत ही नहीं है। और पहले इन जनरल जो जनरल साइंटिस्ट थे, पॉलिंग थे, या इन जनरल जो शुरू के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया है हाइब्रिडाइजेशन, लुइस पॉलिंग इन सब में से किसी ने। बेटा हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट का बेस्ट एक्सप्लेन एग्जांपल ये है, पहला एक्सप्लेन एग्जांपल ये है कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये प्रूफ कर रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि ना हाइब्रिडाइजेशन इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, तो खाली हम पॉइंट्स या लॉजिक देख के कह रहे हैं कि हाँ हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों, ये एस में इलेक्ट्रॉन है, ये पी में, ऑब्वियसली इतना सब बच्चे जानते हैं 2s2 एंड 2p3 ये है। तो नाइट्रोजन का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2s2 2p3, एस में दो पी में तीन इलेक्ट्रॉन है, तीनों अनपेयर है। अब नाइट्रोजन ने अमोनिया बना लिया, ओके अमोनिया बनाया, तो इस नाइट्रोजन के पास ये रहा लोन पेयर, और इन तीनों को एक एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड बना लिया। इज इट क्लियर? इन तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड बना लिया। तो पॉइंट ये आया कि नाइट्रोजन में जो ये तीन पी ऑर्बिटल थे, वन एस पी एक्स, वन एस पी वाई, वन एस पी जेड, और अगर ये पी एक्स ने बॉन्ड बनाया है, पी वाई ने बनाया है, पी जेड ने बनाया है, तो ऑब्वियसली द एंगल शुड बी 90 डिग्री, पी एक्स पी वाई पी जेड में तो 90 डिग्री का एंगल होता है। बट जब हम प्रैक्टिकली अमोनिया में एंगल देखते हैं, तो अमोनिया में प्रैक्टिकली एंगल आता है 107 डिग्री। तो अगर ये एंगल 107 डिग्री है, तो बेसिकली कुछ ना कुछ तो पंगा हुआ है, ये सिंपली 90 पे जहां थे वहां ओवरलैप नहीं किए। तो एक रीजन ये आया कि भाई यहाँ ओवरलैप जो हो रहा है, या यहाँ जो बॉन्ड बन रहे हैं वो 90 पे क्यों नहीं बन रहे। ओके, एक एक रीजन आया। फिर भी आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं रीजन को, कैसे? आप कहेंगे लोन पेयर है, वो रिपेल ज्यादा करते हैं इसलिए एंगल ऐसा हो गया। तो भैया लोन पेयर अगर ज्यादा रिपेल करते हैं, तो पहले एंगल 90 था भाई, पी एक्स और पी वाई में 90 एंगल था जिन्होंने बॉन्ड बनाया, तो 90 वाले को तो दब के 90 से कम होना चाहिए, तो ये एंगल तो 107 हो रहा है, हाउ कैन इट पॉसिबल। तो एक रीजन तो हाइब्रिडाइजेशन का ये दिख रहा है कि अमोनिया का केस बेटा इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पूछो बेटा। सर एक बार हाइब्रिडाइजेशन फिर से पढ़ा दीजिए सर, मैं वो थोड़ा कॉल आ गई थी बीच में। कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग इसीलिए तो करते हैं हम, अभी आपको देंगे हम रिकॉर्डिंग, और इसको अभी तो हमने अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन का खाली ही बेटा, हम खाली हाइब्रिडाइजेशन समझ रहे हैं कि होती है या नहीं होती। सर मैं ऐप में साइन इन किया, अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो सेकंड एविडेंस कि हाइब्रिडाइजेशन होती है या नहीं होती है वो क्या है बेटा? सेकंड एविडेंस ये है कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप सोचें, तो ये होता है 1s2 2s2 2p2। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, और 6 का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। तो बेटा अगर हम इसमें कहें, तो ये रहा 2s और ये रहा 2p, और अकॉर्डिंग टू होम्स रूल एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे। नाउ अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करे, क्यों करे भाई? क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में सारे बॉन्ड बनाता है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 जब आप दिखाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, तो ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। फिलहाल कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, कार्बन हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही जगह नहीं है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस में है, बाकी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी एक्स पी वाई और पी जेड में है। अब बच्चों कार्बन ने ओवरलैप किया हाइड्रोजन से और मीथेन बना लिया। इन जनरल ये लुइस स्ट्रक्चर था, ये लुइस स्ट्रक्चर है, ये मीथेन बन रहा है CH4। आई होप सो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीथेन बन गया ये। ओके, एनी डाउट?
आई होप सो, कोई डाउट होगा नहीं मीथेन में. नाउ अब अगर मीथेन बन गया है बच्चों, तो जरा इसको एक बार फिर सोच के देखते हैं कि क्या सारे बॉन्ड इक्वल या एक जैसे ओवरलैप से बने हैं. मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो एस में था, एस की शेप होती है हमारी ऑब्वियसली, एस की शेप स्फेरिकल होती है, ठीक है, एस की शेप स्फेरिकल. ये रहा कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल में था, और कार्बन के बाकी तीन इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है, एक पी एक्स है, एक पी वाई है, पी जेड है. ये कार्बन है एक तरीके से, यहां एक एक इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम, और एक इलेक्ट्रॉन यहां है. ओके, नाउ जब मीथेन बना तो चारों तरफ हाइड्रोजन ने आके बॉन्ड बनाए. यहां हाइड्रोजन आया, ऑब्वियसली हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया. सपोज मैंने उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन का ऑर्बिटल तो एस है, तो यहां हाइड्रोजन का एस ऐसे आ गया. सिमिलरली हाइड्रोजन का एस ऐसे आ गया, सिमिलरली हाइड्रोजन का एस ऐसे आ गया बेटा, एंड सिमिलरली यहां भी हाइड्रोजन का एस ऐसे आ गया. नाउ टेल मी, क्या कार्बन से जो चार बॉन्ड बने हैं, ये चार बॉन्ड, ऑल द फोर बॉन्ड आपको लगता है सेम एनर्जी के हैं? क्या आपको लगता है सेम ओवरलैपिंग है? कार्बन से इस समय जो चार बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें एक किस किस ओवरलैप से बना है, एसएस ओवरलैप से, और बाकी किस ओवरलैप से बने हैं, कार्बन का पी और हाइड्रोजन का एस, कार्बन का पी हाइड्रोजन एस, कार्बन पी हाइड्रोजन एस. तो आपको क्या लग रहा है, ऑल द फोर बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट इन मीथेन? क्या मीथेन में चारों बॉन्ड एक जैसे लग रहे हैं आपको? अगर चारों एक जैसे नहीं है तो कितने एक जैसे हैं? ठीक है, एक बच्चे को लग रहा है चारों एक जैसे हैं. बेटा कॉमन सेंस है कि एस की शेप अलग है पी से. एस की शेप होती है स्फेरिकल और पी की शेप होती है डंबल. डंबल का साइज अलग है. तो बेसिकली इन जनरल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कार्बन में, जैसे कई बच्चों ने अभी कहा कि तीन बॉन्ड एक जैसी ओवरलैप से बन रहे हैं, तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड एक जैसी ओवरलैप से बन रहे हैं और एक अलग से बन रहे हैं. यानी कार्बन में तीन बॉन्ड ऐसे बने, कार्बन हाइड्रोजन पी एस पी एस, और एक बॉन्ड ऐसे बना है एस एस. तो ये बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए थियोरेटिकली बाकी तीन बॉन्ड लेंथ से, या तीन बॉन्ड हम कहें एक जैसे आने चाहिए. थ्री बॉन्ड शुड बी सिमिलर एंड वन मस्ट बी डिसिमिलर. ओके, और एस एस वर्ड क्यों कहा? क्योंकि हाइड्रोजन में भी एस होता है हमेशा, कार्बन में भी एस में था, एक बॉन्ड तो यहां से कार्बन बना रहा है, बाकी तीन बॉन्ड यहां से बना रहा है, तो एक बॉन्ड को इसीलिए बेटा मैंने एस एस कहा, बाकी तीन को एस पी कहा. कोई डाउट? ठीक है, यहां तक समझ में आया? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ, अभी तो हमने क्या बोला है, अभी हमने सिर्फ ये बोला है कि कार्बन जो होता है उस कार्बन में ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टार्टिंग में देखिए, ये है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? 2s2 2p2. तो ये रहा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन करता है. हाँ बेटा सर, कार्बन ऐसा एसएस हर एटम के साथ, हर कोई भी एलिमेंट के साथ कर सकता है. मतलब जहां एस में और इलेक्ट्रॉन होंगे वहां एस में करेगा, जहां पी में होंगे पी में करेगा. बॉन्ड जिसमें भी इलेक्ट्रॉन आपस में जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं वो बॉन्ड बनाएंगे. व्हाट आई मीन टू से देखते हैं अभी. कार्बन में एस और पी में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एस में दो है पी में दो है, ये कार्बन के अंदर है. अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर लेवल पे चला गया. बेटा क्यों चला गया कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे? क्योंकि हमें मालूम है कार्बन में हमेशा वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हम अलग अलग दिखाते हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिखाते हैं उसके बाद हम इसमें बॉन्ड बना लेते हैं. पहले हम चार अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं फिर बॉन्ड बनाते हैं. तो हमने क्या किया, ये कार्बन के चारों को अनपेयर दिखा लिया, तो ये चार अनपेयर हो गए. लेकिन यहां एक अनपेयर एस ऑर्बिटल में दिख रहा है, बाकी तीन अनपेयर कार्बन के पी ऑर्बिटल में है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड. क्योंकि ये हमें मालूम है पी ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन जो होता है
एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि पी के तीन ऑर्बिटल्स तीनों एक प्लेन में नहीं होते या तीनों एक एक्सिस में नहीं होते, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में, एक जेड में। तो ये रहे कार्बन के तीन ऑर्बिटल ए और चौथा ऑर्बिटल एस में। जब इसने मीथेन बनाया तो मीथेन में ये पी ऑर्बिटल तीन, हाइड्रोजन के पास तो बेटा सिर्फ एस है और कुछ है ही नहीं, और वो हाइड्रोजन का एस आके ओवरलैप कर गया। ऐसे ही यहां कार्बन का ऑब्वियसली पी, हाइड्रोजन एस, कार्बन पी, हाइड्रोजन एस, तो तीन बॉन्ड जो बने उनमें कार्बन के तीन पी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, हाइड्रोजन का सिर्फ एस। और जो चौथा बॉन्ड बना है उसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के ही एस एस ओवरलैपिंग कहलाएगी, मतलब एक एटम का भी एस ऑर्बिटल है, दूसरे का भी एस, तो एस एस ओवरलैपिंग हो गई। तो यहां पे हमें सोचने में ये आ रहा है कि मीथेन के अंदर CH4 के अंदर जो चार बॉन्ड हैं वो चारों बॉन्ड एक जैसे नहीं है ओवरलैपिंग देखते हुए। तीन बॉन्ड की ओवरलैपिंग आ रही है, कार्बन का पी और हाइड्रोजन का एस, और चौथे बॉन्ड की ओवरलैपिंग आ रही है, कार्बन का भी एस, हाइड्रोजन का भी एस। मतलब हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि तीन बॉन्ड मीथेन में एक जैसे होने चाहिए और एक बॉन्ड मीथेन का या तो पहले से स्ट्रॉन्ग कह लो या वीक कह लो। इज इट क्लियर? ऑब्वियसली कहीं पे भी आप देख सकते हो बेटा, अब हाइड्रोजन को किसी और के साथ बॉन्ड बनाओगे, जहां एस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वहां एस का बॉन्ड बनाइए, जहां अनपेयर होगा। तो अभी हम हाइब्रिडाइजेशन सीखने बैठे हैं भाई, हाइब्रिडाइजेशन सीख लीजिए फिर आपको सारे जगह देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या आया बेटा, कि अगर कार्बन में आपके पास चार बॉन्ड आए और आपका दिमाग कह रहा है कि ये जो तीन बॉन्ड थे ये एक जैसे होने चाहिए और ये जो एक बॉन्ड है ये थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ में अलग होना चाहिए। फोकस यहां पे करिए अभी कि ये हमारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है साइंटिस्ट के सामने, कि यहां पे जो चार बॉन्ड बने हैं तो वो तीन एक जैसे होने चाहिए और एक अलग। जबकि जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो कार्बन के जो चारों तरफ के जो चार बॉन्ड हैं टेट्राहेड्रल के, चारों एक जैसे थे। मतलब साइंटिस्ट इस बात से परेशान थे कि यार एक ओवरलैप तो अलग है और तीन ओवरलैप एक जैसी हैं, तो एक बॉन्ड कार्बन का होना चाहिए बाकी तीन बॉन्ड से अलग। क्लियर है? बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज दिस, प्रैक्टिकली चारों बॉन्ड की एनर्जी सेम थी, चाहे कार्बन का ये वाला बॉन्ड हो, ये हो, ये हो, ये हो, सबकी एनर्जी सेम थी। तो साइंटिस्ट यहां पे प्रॉब्लम में थे कि ऐसा क्या हुआ, क्या फिनोमेना हो रहा है कि कार्बन में जो चार बॉन्ड हैं वो चारों बॉन्ड एक एनर्जी के क्यों बन रहे हैं। तो ये फिनोमेना एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया, विच इज टर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बेटा, आपने बॉन्ड लेंथ बोला था, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या हो गया? जैसे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, एटम कहने मतलब न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ। ओके ठीक है। अब यहां पे पॉइंट क्या आया बच्चों, कि ये कार्बन की कंडीशन थी। थियोरेटिकली हमें लग रहा था तीन बॉन्ड एक जैसे बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली चारों बॉन्ड एक जैसे आए, प्रैक्टिकली चारों बॉन्ड एक जैसे आए। तो एक बार सोच के देखिए क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, एक बार दिमाग लगाओ हम कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, आपके दिमाग ने ये तो बता ही दिया था ना, या आपको समझ में आ गया था तीन बॉन्ड एक जैसे, तीन बॉन्ड एक जैसे क्यों आया, क्योंकि तो तीन एक जैसे ऑर्बिटल थे। और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब उल्टा सोचना है, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया चारों बॉन्ड एक जैसे आए, तो वो चीज क्या प्रूफ कर रही है? वो चीज ये प्रूफ कर रही है कि ये तीन ही एक जैसे नहीं है, ये चारों ही एक जैसे हैं। एंड हाउ कैन इट पॉसिबल चारों एक जैसे हो जाएं? तो उसके लिए ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दिया गया है, विच इज टर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। दिस टर्म इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन बेटा? जैसे व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग कोई पूछे तो उसका आंसर होता है कि इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सच अ मैनर so that the elements attains stability, elements stable हो जाते हैं
एंड फॉर्म अ सर्टेन कंपोजिशन और कंपाउंड विद सर्टेन कंपोजिशन. एक कंपाउंड बना लेते हैं, एलिमेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल में चले जाते हैं, दैट इज बॉन्डिंग. ये बॉन्डिंग की डेफिनेशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड वॉट इज हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन में हम डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. ये हाइड्रोजन के एक एटम का ऑर्बिटल है, ये भी उसी एटम के ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियसली ये एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएंगे. मतलब कार्बन जो है, कार्बन के अपने चारों तरफ ऑर्बिटल्स हैं, एस पी ये सब, ये अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. कब करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन? जब इन्हें कंपाउंड बनाना होता है, उससे पहले नहीं करते. ठीक है, तो जब इन्हें कंपाउंड बनाना है उस समय ये ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी मिक्स करते हैं, इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, 100% इक्वल तो नहीं होता कुछ भी, ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड कर लेते हैं. एंड दिस फिनोमिना या दिस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट इज टर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन. किसकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन? एक एटम के अंदर, ये नहीं कि पूरे मॉलिक्यूल या पूरे कंपाउंड. कई लोग ये क्वेश्चन भी गलत पूछ लेते हैं, कई लोग टीचर्स तक पूछ लेते हैं, बताओ अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन क्या है. तो आप वहां कह सकते हैं, या बेसिकली उनका पूछने का मतलब होता है अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है. तो हाइब्रिडाइजेशन एक एटम के अंदर का फिनोमिना है, पूरे कंपाउंड का नहीं है. ओके, हाँ, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होगा कब? जब वो एलिमेंट या वो एटम किसी कंपाउंड बनाने के लिए अप्रोच कर रहा हो, तो उस ट्रांजिशन फेज में हाइब्रिडाइजेशन होती है. मतलब एटम अपने घर से निकला कंपाउंड बनाने के लिए, और वो जब अपने घर से कंपाउंड बनाने के लिए निकला तो उसने अपने ऑर्बिटल जितने थे सबकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया. और अब जो फिनोमिना हुआ ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला, इस हाइपोथेटिकल फिनोमिना को हमने क्या कहा है? हाइब्रिडाइजेशन. बोलो बच्चों, ये क्लियर है? पहले यहां तक क्लियर है तब आगे बढ़ेंगे ना. गुड, क्लियर है? वन टाइप करो, नहीं है टू टाइप करो, कोई दिक्कत थोड़ी. वेरी गुड, ओके. एक को नहीं आया समझ में, श्रेया वर्मा एंड विजय, बताओ बेटा श्रेया क्या दिक्कत है? थोड़ा माइक के पास आके बोलो. We are not getting your voice better clearly. श्रेया बेटा आप साफ साफ थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा ना, मुझे आवाज नहीं आई. कोई बात नहीं, विजय आप बोलो बेटा क्या दिक्कत है? सर एक बार इसकी डेफिनेशन बता दीजिए. इसकी डेफिनेशन एक सिंपल है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है. किसकी एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन है? ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ए एटम. इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम व्हेन द एटम इज अंडरगोइंग टू फॉर्म एनी कंपाउंड और इट्स मॉलिक्यूल, इवन इट्स मॉलिक्यूल. मतलब जैसे बेंजीन, सॉरी, जैसे कि डायमंड है, डायमंड में तो सारे कार्बन कार्बन ही जुड़े हुए हैं ना, फिर भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वहां sp3 है. फलरीन्स हैं, अगर आपने 10th में से पढ़ा है, C60, C70, वहां कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. ग्रेफाइट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है. दीज आर बेसिकली आइसोटोप, दीज आर एलोट्रोप्स विच आर एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म. इसमें कोई मॉलिक्यूल वर्ड का यूज नहीं करते, तो यहां भी हाइब्रिडाइजेशन होती है. एंड ऑब्वियसली ये कोवेलेंट कंपाउंड का ही दिया हुआ टर्म है. हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे हो आप फिर से? श्रेया आपने कुछ लिखा था लेकिन मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा था तो मैं देख नहीं पाया, अब बताइए, हट गया वो स्क्रीन से. श्रेया बेटा मुझे मतलब अभी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा. एटम की पूछ सकते हैं ना, मॉलिक्यूल कंपाउंड की कभी नहीं पूछेंगे. हाँ लेकिन वो एटम बेटा, अभी तो मैंने कहा वो एटम किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हिस्सा होगा. The atom will be the part of molecule or compound. मैंने अभी क्या बताया? Hybridization होती कब है? जब कोई atom molecule या compound बनाने जा रहा है, उस समय जो energy का redistribution है, that is basically this concept is hybridization. और अगर कोई क्या है, isolated carbon है, एक अकेला carbon है,
इसमें बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? नो हाइब्रिडाइजेशन, किसी आइसोलेटेड एटम में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। हाइब्रिडाइजेशन तभी होती है, अच्छा मॉलिक्यूल बनने के बाद हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होती, मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का? अगर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन गया है तो हाइब्रिडाइज होकर तो बना है, तो उसके बाद अगर हाइब्रिडाइज होकर करेगा क्या? मतलब आपका क्वेश्चन जो आपने लिखा है कि मॉलिक्यूल बनने के बाद हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होती, तो इसका मुझे मतलब नहीं समझ में आया। वो एक तरीके से स्टेबलाइज हो चुका है, वो कंपाउंड के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, अब वो हाइब्रिडाइज क्यों करेगा? अब वो जब किसी और ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा तब की बात अलग है, अदरवाइज वो स्टेबल है तो हाइब्रिडाइज क्यों करेगा? वो तो उस समय जिस हाइब्रिडाइजेशन में है उसी में रहेगा। ठीक, चलिए धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर होगा। अब बेटा इस यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी कार्बन की वो कहलाएगी sp3। व्हाट इज द सेंस ऑफ sp3? यहां sp3 क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली यहां पे टोटल 4 ऑर्बिटल्स ने अपनी एनर्जी मिक्स की है, एक इस s ऑर्बिटल ने, एक p, एक और p, एक और p, यानी यहां 4 ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी मिक्स कर रहे हैं और 4 मिक्स करने के बाद 4 में ही डिवाइड कर ले रहे हैं। तो अब हमें यह बताना होगा कि इसके अंदर किस ऑर्बिटल का कितना हिस्सा है। तो हम ये नहीं कहते s इतने परसेंट, p इतने परसेंट, तो हमने इसको सिंप्लीफाइड वे दे दिया हाइब्रिडाइजेशन का कि इसका नाम हम sp3 रखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के नाम क्या क्या रखे हैं? एक नाम है sp, एक है sp2, एक है sp3। बेसिक 3 हाइब्रिडाइजेशन जो अभी आपके लेवल में ज्यादा पूछी जाएंगी वो ये हैं। लेकिन इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें भी और ज्यादा भी है कि ये d इनर है या आउटर है, तो वो भी पॉइंट है। तो बेसिकली 6 या 7 तरह की हाइब्रिडाइजेशन हम यूजुअली पढ़ते हैं, एक dsp2 भी है, तो ये 7 तरह की हाइब्रिडाइजेशन जनरली है। लेकिन अभी आपके स्कूल में और आपके यहाँ ज्यादा फोकस रहेगा इन 3 पे, ज्यादा फोकस कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ज्यादा फोकस अभी आपके टीचर्स का sp sp2 sp3 में आएगा। एक्चुअली ना ये 11th स्टैंडर्ड में आते ही सीधा बम फोड़ने लगते हैं नए नए टॉपिक्स से जो आपने कभी नहीं पढ़े होते। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑर्बिटल ही पहली बार पढ़ रहे हैं, अब ये ऑर्बिटल की मिक्सिंग पढ़नी है और अभी भी हमारे दिमाग में वेव फंक्शन क्लियर नहीं होता। अधिकतर बच्चे पढ़ना चाहते हैं पार्टिकल नेचर से, जहां आप पार्टिकल नेचर से पढ़ना की कोशिश करोगे थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर? बेटा पार्टिकल जो होते हैं ना उनकी एग्जिस्टेंस दिखती है, एट ए पोजीशन दिखेंगे, और वो जब एट ए पोजीशन दिखेंगे तो समझ में आएगा हाँ भाई ये तो पार्टिकल यहां रखा, ये पार्टिकल यहां से यहां कैसे चला गया। बट वेव्स आर पोजिशन लेस और यू कैन से डीलोकलाइज, जो मैं बोल रहा हूँ वो पार्टिकल नहीं वो वेव है, एट ए टाइम कई जगह पहुंच रही है, यहाँ वाले भी सुन रहे हैं वहां वाले भी सुन रहे हैं, तो ये वेव की वजह से है। तो वेव नेचर को सोचने की कोशिश करिए जिसका एग्जिस्टेंस मोर देन वंस हो सकता है। पार्टिकल नेचर को सोचेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इज इट क्लियर? तो अब आपको यहाँ क्या सोचना था कि यहाँ एक s ऑर्बिटल था, 3 p ऑर्बिटल दिखे, वो s और 3 p ने अपनी एनर्जी मिक्स की, नो बेमानी, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं होना, 4 ने एनर्जी मिक्स की, बाद में भी 4 आएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी फ्रॉड नहीं होता ह्यूमन बींग लैंग्वेज में और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बच्चों इन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे जो बाद में बनेंगे, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर हमेशा उतना ही होगा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहे थे। ओके, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अगेन, हाइब्रिडाइजेशन कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द सेंस, हमें क्या जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की करने की? तो एक तो मैंने कार्बन का रीजन, नाइट्रोजन का रीजन बताया वो, और दूसरा आपको जो यहां दिख रहा है उसे देखने की कोशिश करिए बेटा, क्या दिख रहा है आपको? आई होप सो आपको यहां शायद जज कर लें कि इनके बीच में एक एनर्जी गैप दिख रहा है। जो s ऑर्बिटल है वो अलग बनाया है, p ऑर्बिटल अलग बनाया है, जबकि मैंने जब ये बाद में बनाया है तो ऑलमोस्ट वो गैप मैंने 0 दिखाया है, सारे ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखा दिए। तो बेसिकली दिस इज
द मेन रीजन फॉर हाइब्रिडाइजेशन. हमें हाइब्रिडाइजेशन शो करने का मेन रीजन क्या है, जहां जहां हमें एनर्जी गैप थोड़ा बहुत दिख रहा होता है तो हम मिक्स करके वो एनर्जी गैप कम से कम करना चाहते हैं. इज इट क्लियर बेटा? कभी ये नहीं कहते एग्जैक्ट सेम हो जाती है बाद में भी एनर्जी, बहुत स्लाइट अंतर रहता है. एंड हाइब्रिडाइजेशन में ये भी नहीं होता कि दो ऑर्बिटल में एनर्जी गैप जमीन आसमान का हो, एक 1s हो और दूसरा 6p हो, ये अपनी एनर्जी मिक्स कर लेंगे, नॉट पॉसिबल. एक 2s है, एक 2p है, यही एनर्जी मिक्स कर सकते हैं. ठीक है, तो बेटा अब पहला पॉइंट आया, अगर आपको समझ में आ गया हो कि वॉट इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन है क्या? इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है. ओके, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी. हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी. ठीक है, एक बार फिर सुनिए. अ प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप. ये मैं बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहा हूं आपके लिए. अ प्रोसेस इन विच, वो प्रोसेस जिसमें ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, जैसे 2s 2p है, एनर्जी तो इक्वल है लेकिन शेप अलग है. तो अ प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी एंड डिफरेंट शेप्स मिक्स टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सिमिलर शेप. बल्कि सेम एनर्जी एग्जैक्ट नहीं होती, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड सिमिलर शेप इज टर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन. ये बुक की डेफिनेशन है बेटा, एक बार फिर बोल दूं. अ प्रोसेस इन विच ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप्स मिक्स टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सिमिलर शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. द शेप ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे ये sp3 बन रहा है तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे. द शेप ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो नया, अब रुक जा. द शेप ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डंबल हैविंग वन बिगर लोब एंड अनदर स्मॉलर लोब. एंड दिस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल इज टर्म्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल. हाँ बेटा, अब पूछो कुछ समझ में. थोड़ा पहले से एक स्टेप तो बढ़े हो गए, आई होप सो. बहुत क्लियर नहीं करा पाया लेकिन एक स्टेप तो बढ़ा ही दिया होगा होपफुली. बताइए विजय बेटा, आप बोलो. श्रेया बेटा, आप बोलो. यस सर. हाँ श्रेया बेटा. यस सर, क्लियर. थोड़ा तो क्लियर हुआ ना. अभी हम पढ़ते जाएंगे ना तो आपके डाउट धीरे धीरे और कम हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहो. तो अब हमारा वर्ड ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया क्या है. तो केमिस्ट्री में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम शो करेंगे फॉर शेप. हम शेप डिफाइन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से भी. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से अभी हम शेप्स पढ़ेंगे और जनरल हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp, sp2, sp3. व्हाट डज द हाइब्रिडाइजेशन sp मीन? sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? द टू ऑर्बिटल्स, खाली दो ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी मिक्स की है, 1s एंड अनदर p. द टू ऑर्बिटल्स अंडरगोज इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड द हाइब्रिड, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड नेम्ड sp. दोनों का नाम sp होगा. तो दो ऑर्बिटल अपनी एनर्जी मिक्स करेंगे, दोनों का नाम sp. अगर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है बेटा, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम आ जाएगा sp2. ओके बेटा, क्यों आ गया नाम sp2? क्योंकि एक s होगा, दो p होंगे. एक्चुअली ना कोई बच्चा ये भी कह सकता है भाई sp2 क्यों होगा, सीधा sd2 क्यों नहीं होगा? तो इसको हमने पढ़ लिया है कि हम एनर्जीज, जिसमें एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, वो अपनी एनर्जीज मिक्स करते हैं. अब p के तीनों ऑर्बिटल की तो एनर्जी पहले से सेम है, शेप भी सेम है, तो p के तीनों आपस में तो नहीं करेंगे. p के साथ जब s आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी. और जब s और p दोनों मिक्स हो चुके हैं, अभी और ऑर्बिटल्स की जरूरत है, तो d भी मिक्स किया जाता है, sp3d एंड सो ऑन. अगर एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल, मतलब टोटल मिला के तीन ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी मिक्स कर रहे हैं, देन द बेटा हाइब्रिडाइजेशन इज नेम्ड एज sp2.
तो यहां पे हम कहेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर थ्री, यहां पे थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है बच्चों, जिसमें से बाद में तो हम कह सकते हैं तीनों का नाम sp2 है, लेकिन शुरू में एक s और दो p ने अपनी एनर्जी मिक्स की है, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल में। नाउ इफ टोटल फोर, हाँ बेटा बोलो सर, इसका एग्जांपल क्या होगा? आएगा आएगा, एग्जांपल भी आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे, आप चिंता ना करें। अगर चार ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी मिक्स कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp3, अगर फोर ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ठीक है। तो बेटा इन जनरल अगर दो ऑर्बिटल या दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो वो जो कंपाउंड बाद में बन के तैयार होता है तो हम कहते हैं उस कंपाउंड की शेप लीनियर होगी, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो प्लेन ट्रायंगुलर होगी, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो टेट्राहेड्रल होगी, बशर्ते दैट मींस देयर मस्ट बी नो लोन पेयर, अगर लोन पेयर है तो फिर शेप बिगड़ जाएगी, तो लोन पेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में यह कहा गया कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। रीजन आपको मालूम है, हाइब्रिड में हमने कहा है हर तरफ की एनर्जी सेम हो जाएगी, और अगर सेम एनर्जी हो जाएगी तो सेम नेचर का बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपको मालूम है ना पाई बॉन्ड तो वीक होता है, ठीक है, तो पाई बॉन्ड तो वीक होता है, तो पाई बॉन्ड अलग तरीके से बनता है और वो आपको मैं समझा चुका हूं कैसे बनता है, कि ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं ये जब ओवरलैप ऐसे करते हैं तो पाई बनता है, तो बेसिकली पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इट इज अ वीक बॉन्ड, और ये खाली सिग्मा की कवरिंग के लिए होता है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल की सबकी एनर्जी सेम होती है तो वो एक जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे चारों तरफ, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और अगर ये बॉन्ड नहीं बना पाए, हाइब्रिड हो गया बॉन्ड नहीं बना पाए, तो लोन पेयर रहेगा। तो अब आपको क्या याद रखना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आइदर फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, या तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दे एग्जिस्ट एज लोन पेयर, या तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से आगे चल के सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं भी बना पा रहे हैं तो पाई नहीं बनाएंगे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपने अंदर रख लेंगे वहां, और उसे हम कहेंगे लोन पेयर। अब बेटा विजय पूछ रहे हैं कि शेप का क्या लेना देना है, क्या है, मैंने इसीलिए आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आप पार्टिकल नेचर में सोचना बंद करिए, पार्टिकल नेचर अलग चीज है और वेव नेचर अलग चीज है, श्रोडिंगर ने जो बाद में दी है, बार बार वही वेव में दिमाग में। हाँ जी सर, बार बार वही चीज आ जाती है दिमाग में। चक्कर क्या है ना, हम एग्जिस्टेंट चीजों को सोचते हैं जो हमें सामने दिख जाए, तो प्रैक्टिकली अगर आप एक बात सोच के देखो, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, तो म्यूजिक जब सुनते हैं तो ऑब्वियसली सिंगर गाना गा रहा है, इंस्ट्रूमेंट कोई कहाँ रखा, कोई कहाँ रखा, कोई कहाँ रखा, वो अलग अलग बज रहे हैं, तबला अलग बज रहा है, हारमोनियम ऑर्केस्ट्रा व्हाटएवर अलग बज रहे हैं, लेकिन हमारे कानों को एट ए टाइम सारी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा नहीं होता जिस समय सिंगर की आवाज आ रही है ऑर्केस्ट्रा की ना आ रही हो, सारी चीजें एक साथ, और हम डिस्टिंग्विश भी कर लेते हैं इजिली। तो बेटा अगर ये वेव नेचर है तभी कर सकते हैं, और अगर ये पार्टिकल होता तो जिस समय सिंगर की आवाज आ रही होती बस सिंगर की आ रही होती, तो वेव कैन ओवरलैप विद ईच अदर, तो वहां ओवरलैपिंग है। और जब भी कोई बॉन्ड बनेगा वो दो ही इलेक्ट्रॉन से बनेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो जो बॉन्ड बन रहा है उससे पहले वो क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में होते हैं वो क्लाउड्स में होते हैं, वो जो क्लाउड है वो स्फेरिकल था, उसकी शेप डंबल थी, डबल डंबल थी, वो बॉन्ड बनने के पहले तक तो है। बॉन्ड एक बार ये बन जाता है तो अगर हम हाइब्रिड दिखा रहे हैं तो हम उसको दिखाने के लिए, कॉपी पेन दिखाने के लिए ऐसे दिखाएंगे कि एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा, अदरवाइज इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए तो अगला पॉइंट था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज कर लेगा तो सर जो लोन पेयर होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? अरे आ रहे बेफिक्र रहो, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो दो चीजें बाद में बना सकता है,
या तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा या उस हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड यानी अंडर स्ट्रेन वाला बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि ये सेम एनर्जी लेवल की चीजें बनाता है और पाई बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड, इसलिए उसको नहीं बनाएगा। नाउ अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं कि ये लिखा है मैंने अमोनिया, दैट मीन्स अमोनिया बन चुका है। अमोनिया जस्ट बनने से पहले नाइट्रोजन ने अपनी एनर्जी मिक्स की होंगी ऑर्बिटल्स की, तब अमोनिया बनाया होगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसे करने के तीन चार फॉर्मूले हैं, टीचर्स अलग अलग फॉर्मूले बताते हैं। द बेस्ट फॉर्मूला जो मुझे अच्छा लगता है, मैं भी दो तीन फॉर्मूले को फॉलो करता हूं फिलहाल, सही बताऊं, बट द बेस्ट वन इज, मुझे जो सबसे अच्छा फॉर्मूला लगता है कि आप जिस एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो, जिस एटम की, उसके सिग्मा बॉन्ड और उसके लोन पेयर काउंट कर लो। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर गिव्स हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है या लोन पेयर, तो ये काउंट कर डालो। फॉर एग्जाम्पल यहां नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे लुइस डॉट स्ट्रक्चर, और 5 इलेक्ट्रॉन से ये बना अमोनिया, और अमोनिया बनने के बाद इस नाइट्रोजन को हमें काउंट अगर करना है, तो आई होप सो आप लोग काउंट करना तो सीख ही गए हो, इतना आपको काउंट करना आता है कि दिस इज लोन पेयर एंड इतना आप जानते हो दीज आर सिग्मा बॉन्ड। तो इस अमोनिया में 3 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 इज लोन पेयर, या 3 सिग्मा बॉन्ड है 1 लोन पेयर है। आई होप सो इतना काउंट करना आपको आता है, और अगर ये काउंट कर लिया तो यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर 4 हो गया। बेटा ये रहा लोन पेयर, ये लोन पेयर का भी, लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में है ना वो भी हाइब्रिडाइज है। कैसे प्रूफ करें ये हाइब्रिडाइज है ना, ये भी तो दिमाग में आ सकता है कि आप कह रहे हो हाइब्रिडाइज है, हम कैसे मान लें। इसका रीजन ये दिया गया कि ये तो PX था, ये PY था, ये PZ था, ये PX, PY, PZ तो 90 डिग्री पे होते हैं, ये मैंने पहला एग्जांपल दिया था जो, लेकिन अमोनिया में तो 107 डिग्री एंगल है, तो वो 90 की जगह 107 क्यों, तो उसका हमने पहले ही एग्जांपल दिया आपको कि ये लोन पेयर का रिपल्शन का ऑर्डर ज्यादा होता है, ये चारों हाइब्रिड थे, चारों हाइब्रिड की शेप होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा था इसलिए पिरामिडल और इसलिए 90 हो गया। बोलो बेटा विदई, क्लियर हुआ कुछ? यस सर। सर इसमें हम लोग बोलेंगे तो ये sp3 बॉन्ड हो जाएगा, ऑर्बिटल sp3। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ना इसको फिर से देखिए, हमें बोलना पड़ेगा कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इन अमोनिया। पहला पॉइंट, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इन अमोनिया। नाउ और sp3 की शेप वैसे तो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन नाइट्रोजन में इसकी मतलब ड्यू टू लोन पेयर शेप डिस्टॉर्ट होके पिरामिडल हो गई। तो बेटा इसकी पिरामिडल शेप मैं ऐसे बनाऊंगा, अभी ये पिरामिडल हमें दिखाना है, ठीक है, यहां लोन पेयर दिखाने हैं। तो इसकी जो पिरामिडल शेप मैं दिखाऊंगा बच्चे, वो ऐसे दिखाऊंगा, आप पॉइंट देखने की कोशिश करो, अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो अच्छी बात है। ये ऑर्बिटल बड़ा, ये छोटा, ये ऑर्बिटल बड़ा, ये छोटा, ये ऑर्बिटल बड़ा, ये छोटा, ये 3 दिखा दिए, इसके बाद ये ऑर्बिटल बड़ा, ये छोटा, ये चौथा यहां दिखाया है। अब जरा ध्यान से देखना यहां हम क्या कर रहे हैं, इसे पहले थोड़ा फिगर को छोटा कर रहे हैं ना, कुछ ज्यादा ही बड़ा ड्रॉ हो गया, ठीक है बेटा। ये अभी हमने बनाया था, और इसके बाद यहां जो नाइट्रोजन है ना, यहां जो नाइट्रोजन है ना, इसके बाद ये आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये हमने क्या किया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन दिखाए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से जब वो कहते हैं ना शेप ड्रॉ करके दिखाओ, तो ये अमोनिया की शेप ड्रॉ करके दिखाई जाएगी, अगर आपको साफ दिख रहा हो कि हम शेप कैसे दिखाएंगे। तो यहां इस नाइट्रोजन से 4 बड़े ऑर्बिटल ड्रॉ किए, एक बड़े ऑर्बिटल में हमने लोन पेयर रख दिया, बाकी 3 बड़े ऑर्बिटल हमारे ये रहे,
और बच्चे जो आपने वर्ड यूज किया ना कि बॉन्ड, तो बेटा आप जरा सही से बोलिएगा, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे sp3 एंड s ओवरलैप, मतलब नाइट्रोजन का sp3 ऑर्बिटल, क्योंकि अब इस ऑर्बिटल का नाम sp3 हो गया है, इन सब ऑर्बिटल्स का नाम अब sp3 हो गया है बच्चों, इन सब का नाम अब हो गया है sp3, और ये sp3 के साथ, बेटा थोड़ी देर पहले एक आध बच्चे ने पूछा भी था कि ओवरलैप क्या है, तो यहां sp3 के साथ हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है, और हाइड्रोजन का हमेशा इलेक्ट्रॉन s में ही होता है, तो यहां पे sp3 s के ही ये तीनों बॉन्ड है, और ये लोन पेयर एक sp3 में है। तो नाइट्रोजन के चार ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी को इक्वलाइज किया था, चार में से तीन ने बना लिए हैं सिग्मा बॉन्ड और एक के पास लोन पेयर। वो जो तीन ने सिग्मा बॉन्ड बनाए थे, अगर आप उस बॉन्ड की ओवरलैपिंग बताना चाहेंगे तो आप कहेंगे sp3 एंड s, ये sp3 इसका s, ये sp3 इसका s, sp3 और s, ये ओवरलैपिंग है, और ये लोन पेयर sp3 में है। बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया? यस सर, क्लियर है। बाकी लोग बताएं बेटा, श्रेया बेटा पूछो। सर ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन हो रही है इसमें। अच्छा चलिए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब अभी क्या आपने बेटा स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्शन SPDF सही से पढ़ रखा है? यस सर, चैप्टर 2 पढ़ा है। एक बार फिर रिवाइज करिए, क्योंकि शेप्स में प्रॉब्लम है इसका मतलब आपको, क्योंकि इसमें इतना कुछ टिपिकल है ही नहीं, इट इज वेरी बेसिक, बहुत बेसिक। फिर भी कल हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, बिकॉज अभी टाइम देख रहे हैं एक्सीड कर गया है, तो इसे अभी इतना ही रखते हैं, कल मैं फिर से एक बारी, और आज की रिकॉर्डिंग को भी आप देखिएगा, एंड फाइनली एक बारी हम और रिपीट करेंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है? चलो बच्चों आज इतना ही रख रहे हैं, आपने ऐप डाउनलोड कर ही लिया होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। यस सर, जब मैं लॉगिन कर रहा था तो सर उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया, उसमें वो स्ट्रीम शो नहीं कर रहा सर, उसके बिना होगा ही नहीं। नहीं मेरे हिसाब से तो कई बच्चों ने ज्वाइन किया, खाली बैच कोड मांगता है वो। सर yes, जब मैंने ऐप ऑन करा तो सर वो ईमेल आईडी yes, मांग रहा था लॉगिन करने के लिए, फिर सर ईमेल आईडी लॉगिन तभी होगा जब मेरे पास अकाउंट होगा, तो सर मैं और गूगल पे जाके इसका अकाउंट बना रहा था, तो सर इसके अकाउंट में वो स्ट्रीम शो नहीं कर रहा है, ऑप्शंस में लास्ट स्ट्रीम आती, स्ट्रीम शो नहीं कर रहा है। एक मिनट रुकना, संजना बेटा आपने ज्वाइन कर लिया शायद? यस सर। बेटा जरा गाइड करना, बोलना कैसे ज्वाइन किया। तो सिंपली उन्होंने नेम मांगा और ईमेल आईडी मांगा, बट विजय को शायद सर ईमेल आईडी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई और से भी डाल सकता है, जरूरी नहीं है कि हम किसी और की ईमेल आईडी डाल के देख ले बेटा इसका मतलब। सर मैंने डाल के देखी थी सर, पर नहीं हुआ। संजय बेटा और एक दो बच्चों ने और भी, अलीशा आपने भी ज्वाइन किया शायद? जैसे आप बता रहे आपने वीडियो डाला सर, मुझे कोई वीडियो शो नहीं हो रही है बेटा, जस्ट अभी तो डाला है 5 बजे, अब देखेंगे तो मिलेगा, 5 बजे डाला है वो, ठीक है। स्टडी मटेरियल में एक मिनट, एक आध बच्चे ने देख लिया था शायद, उसके बाद सर ये पूरा फॉर्म मांग रहा है, उसको सबमिट कर रहा हूँ, तो सर वो सेलेक्ट एग्जाम डेट पे सर कुछ भी नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे यहाँ से डायरेक्ट ऐड कर दूंगा ना, आपसे नहीं हो रहा वहाँ से उस एंड पे छोड़ो, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, नेटवर्क या कोई भी इशू होगा, हम इधर से ऐड कर देंगे आपको, आप टेंशन मत लो, ठीक है, मैं मैम से कह के ना अभी आपको ऐड करा दूंगा। और बताओ, आप ऐड की चिंता छोड़ो, जिन्होंने एक सेकंड, संजना बेटा आप जरा वो चेक करो, संजना आप हो? यस सर। बेटा आप लोगों ने कोई मटेरियल देखा है अभी तक, डाउनलोड किया है? यस सर, एक वीडियो थी और नोट्स थे, स्टडी मटेरियल। वेरी गुड, सोशियोमेट्री की वीडियो होगी और नोट्स मैंने चैप्टर 1 के पूरे डाले हैं, है ना सर? मुझे तो सिर्फ एक वीडियो दिख रही है। आप देखा बेटा, वीडियो देखनी शुरू हो गई? दोनों है, दोनों मिल गए, ठीक है, दैट्स ओके। अब इसमें ना हम डेली कोशिश करेंगे, डेली का मतलब होता है वीक में एटलीस्ट 2-3 बार आपको स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन पेपर
असाइनमेंट्स में असाइनमेंट या प्रॉब्लम्स और स्टडी मटेरियल में थ्योरी, असाइनमेंट में क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, वो हम रिज्यूमिकली वीक में एटलीस्ट 2-3 times डालेंगे. और जो अभी तक नहीं किया वो काम करना है हमें. नोट्स अभी तक हमने नहीं दिए थे. दो लेवल के नोट्स हैं मेरे पास, एक है प्योर सीबीएसई एनसीईआरटी और एक है प्योर कॉम्पिटेटिव लेवल फॉर आईआईटी एडवांस. ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप वो डाउनलोड करिए. आपको मुझसे मांगना नहीं है, आपको मुझे कहना नहीं है, मैं उसमें अपलोड करूंगा. हाँ, अगर अपलोड करने में टाइम लग रहा हो या अपलोड नहीं हो रहे हो तो आप उसको इन्फॉर्म करिएगा कि ठीक है आपने तो कहा था हम अपलोड करेंगे, हुए तो है नहीं. तो 2-4 बार सुनानी पड़ेंगी आपको, क्योंकि ना बहुत सारे काम होते हैं, सुन के ही हो पाते हैं फिर हमसे. ठीक है, तो जब भी अगर आपको लगे कि अपलोड नहीं हो रहा तो आप कह दीजिए फ्रेंकली. हाँ, मतलब तमीज से कहना, लेकिन ठीक है. चलो बच्चों, हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू सर. थैंक यू सर.